तो यो गाइस कैसे आप सारे और आप देख रहे हैं आपको अपना जीएम व्लॉग्स। तो गाइस आज मैं आ चुका हूँ एक ऐसी जगह और एक ऐसे बंदे के पास जिसने यार बहुत ही अच्छा काम कर दिया है। उसका नाम है एमी व्लॉग्स के नाम से उसका यूट्यूब चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। तो अभी मैं उसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ और बताऊंगा कि उसने मतलब क्या काम करे, अभी आप भी देखेंगे। तो आ जा भाई। हाँ भाई ऑन है। अच्छा तो भाई ये है एमी व्लॉग्स और इसका चैनल है एमी व्लॉग्स के नाम से और इसका नाम है अमिंदर सिंह। तो भाई आपने मतलब क्या करा है बताओ यार मेरे व्यूअर्स को। भाई मैंने एक साइकिल में 80cc का इंजन लगाया है, मेरे हिसाब से आपने बहुत कम सुना होगा, बट हाँ ये काफी ज्यादा वायरल हो चुका है फॉरेन कंट्रीज में, प्लस इंडिया में जाम्पा 66 ने बनाया है इसको। मैं अपने चैनल का लिंक भाई से डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ, जबरदस्त की क्या भाई डाले ना डाले और ये भाई डाल देगा। सो गाइस जाके चेक करो चैनल, आपको पता लग जाएगा कि बाइक क्या है। अच्छा तो भाई ये एक बात पूछनी थी कि आपको आइडिया कैसे आया कि इसमें डालने का यार। भाई आइडिया मेरे को इंडियन यूट्यूबर जाम्पा 66 से आया। अच्छा। उनका भी चैनल है, उन्होंने बहुत सारे व्यूज आ रहे थे उनकी वीडियो पे, तो सो उनसे मेरे को आइडिया मिला और मैंने अगले ही दिन ऑर्डर कर दिया और फिर उसको असेंबल किया। अच्छा तो भाई ये मतलब कितने सीसी का इंजन है? भाई ये 80cc का इंजन। अच्छा और आपने किस चीज में लगाया मतलब ये मैंने लगाया है साइकिल में, ट्रैक 3700 साइकिल है। हाँ। उसकी पिक्चर आपके सामने आ रही है भाई, डाल देगा और वो 27,000 रुपीज का आपको पड़ जाती है साइकिल, वो हाई एंड साइकिल्स में गिनी जाती है, काफी अच्छी साइकिल है। अच्छा और मतलब आपको उसमें कोई परेशानी आई? इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या है साइकिल का? भाई पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको एक मोबिलिटी मिल जाती है जो कि आपने बनाई है और आप थोड़ा प्राउड फील करते हो जब आप इसको चलाते हो। और नेगेटिव पॉइंट इसके काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं, जैसे कि कभी कभार आपके पेट्रोल लीकेज हो जाती है। सेकेंडली आपका कभी कभी स्टार्ट नहीं होता इंजन जल्दी क्योंकि काफी छोटा इंजन है। और ये भी होता है कि इंजन हिल हिल जाता है फ्रेम में और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन पूरी ऐसे दी जाती है और आपको इसे बहुत जोर से पीछे की तरफ करना पड़ता ताकि रुक जाए। अच्छा तो भाई ये मदद आपको मतलब ये आपको इसमें खर्चा कितना आया टोटल? भाई मेरे को इसमें खर्चा आया टोटल 14,000 और 27,000 की साइकिल। अच्छा 27,000 की साइकिल और 14,000 मतलब 42 का खर्चा आ गया। अच्छा और मतलब ये लीगल है कि इलीगल है? क्योंकि पेट्रोल से चलती है। लीगल है। अच्छा ठीक है तो अभी मैं आपको इसकी साइकिल का पूरा भाई ऐसा आप देख सकते हैं ये ट्रैक की साइकिल है और ये अभी मैं चलाने जा रहा हूँ, ये एमी व्लॉग्स की है और ये बनाई है और इसके बारे में एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये साइकिल है और देख सकते हैं मैं एक बड़ी ट्रैक कंपनी की है ये आप देख सकते हैं। तो भाई जैसा आप देख सकते हैं ये एक इसके सामने ये वी ब्रेक्स नीचे दी हुई है और ये क्लच है इसकी साइकिल का और ये आगे ये पीछे की ब्रेक है और ये आगे की ब्रेक आती हुई। ये जैसा फ्यूल टैंक देख सकते हैं और भाई ये फ्यूल टैंक कितने लीटर का है? 2.5 लीटर का। 2.5 लीटर का है ठीक है। और जैसा आप देख सकते हैं तो गाइस ये कॉयल है और ये इसका इंजन है, ये 80cc का इंजन है और ये कार्बोनेटर दिया हुआ है यहाँ पे। और गाइस ये देख सकते हैं आप ऐसे एग्जॉस्ट है इसका और गाइस ये चेन डेंसनर है, जैसे देख सकते हैं बाइक की मोटी वाली चेन लगाई है और ये आपको मैनुअल भी चला सकते हैं, आप इसमें पेडल दिए हुए हैं और ये ट्रैक कंपनी की साइकिल है। तो अभी आइए इसको चलाकर देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसी। जब मैं आ चुका हूँ साइकिल चला के इसकी और बहुत ही मजा आया है और आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके चैनल का और तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस बस आज तक की वीडियो इतनी थी, टिल देन बाय, प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।